गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। आपको 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है इसके किसके बीच का, 3/5 का और 3/4 के बीच। तो हम लोग देखो फिर से यहाँ पे 5 और 4 हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल नहीं है। जितना भी क्वेश्चन अभी तक हम लोग सॉल्व किए हैं इसमें यही देखे हैं कि अगर डेनोमिनेटर हमारा बराबर नहीं है तो हम लोग उसको क्या करते हैं बच्चों, इक्वल करते हैं। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे। तो 3/LCM ऑफ 5 and 4 इज क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, जब हमारा LCM 20 है तो 3/5, अब हमको यहाँ पे लिखते हैं 20। हम यहाँ पे क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ कि हमारा 20 आ जाए, तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम डिनोमिनेटर में 4 किए हैं मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर में भी हमको क्या करना पड़ेगा, 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 5 × 4 = 20, तो 3 × 4 = 12। 12/20 का वैलिड फ्रैक्शन हो गया किसका, 3/5 का। अब नेक्स्ट 3/4, हमारा एलसीएम क्या था, 20। अब हम यहाँ 4 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या है, 20। तो हम यहाँ 5 मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमिनेटर में भी हमारा किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा। 3 × 5 = 15। ठीक है, अब हम लोग देखो यहाँ पे बोल रहा है 10 डेसिमल नंबर फाइंड करने के लिए। तो आप 12/20, अगर हम लोग जानते हैं कोई भी रेशनल नंबर में या कोई भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें या फिर डिवाइड कर दें तो हमको फ्रैक्शन में चेंजेस नहीं होता। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर हम लोग जानते हैं कोई भी फ्रैक्शन में या कोई भी रेशनल नंबर में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें किस में, न्यूमरेटर में या और डिनोमिनेटर में, तो हमको फ्रैक्शन में चेंजेस नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग फिर वही करते हैं, क्या 10 से कर दूँ सर, आप लोग बोलोगे फिर बार बार 10 से ही करते हो। ठीक है, आप लोग किसी और नंबर से घर में कर लेना कोई प्रॉब्लम नहीं। 12 × 10 = 120/100। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 15/20 × 10/10 150/200। ठीक है, एक रेशनल नंबर हमारा क्या है बच्चों, 120/200, दूसरा रेशनल नंबर क्या आया, 150/200। सो अब देखो 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है, 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 121/200, 122/200, 123/200, 124/200, 125/200, 126/200, 127/200, 128/200, 129/200, 130/200। कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं करना बच्चों। आप लोग जानते हो दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है, दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। अब अगर बुक के पीछे ये आंसर नहीं दिया हो तो ऐसा नहीं समझना कि आंसर गलत है, या कभी भी दो रेशनल नंबर के बीच अगर 5 या 10 रेशनल नंबर या 20 रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला जाए, आपका आंसर कुछ और आए, किसी बच्चे का आंसर कुछ और आए, तो आंसर दोनों का गलत नहीं है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। ठीक है, लेकिन वैल्यू जो है रेशनल नंबर का वो दोनों रेशनल नंबर के बीच आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे 10 की जगह हम अगर 5/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ कुछ और आंसर आता, लेकिन जो अगर हम इसको फिर फाइनली अगर हम रिड्यूस करते हैं तो वैल्यू मेरा ये रेशनल नंबर और इस रेशनल नंबर के बीच का ही आता। ठीक है, समझ आ गया। चलो, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है तो आपको फिर और ज़्यादा वीडियो मिलेगा हर एक चैप्टर का, हर एक एक्सरसाइज का। अगर आप चाहते हो कि कोई टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर का भी मैं वीडियो इसी तरह लेकर के आऊँ, हर एक क्वेश्चंस का बेसिक से इंट्रोडक्शन पार्ट भी लेकर के आऊँ, पॉलिनोमियल्स का, लीनियर इक्वेशन, सॉरी पॉलिनोमियल्स तो क्लास 9 का हो गया,
लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स का, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताओ और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक यू।